समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को तुच्छ समझो। आप शक्तिशाली हो सकते हो लेकिन समय आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम, जैसे कि प्रीवियस इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कहा था कि अगर आप उतरती हुई शनि की साढ़े साथी पे वीडियोस चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और निश्चित काफ़ी सारे लोगों के सुझाव आए, कमेंट आए, और आज वही कार्यक्रम आपके समक्ष में लेकर आया हूँ। उतरती हुई शनि की साढ़े साथी, शनि का प्रकोप कब खत्म होगा, और सबसे पहले शनि की साढ़े साथी कब खत्म हो रही है, ये उतरती हुई शनि की साढ़े साथी आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या बदलाव लेकर आ सकती है। और एक चीज कहूंगा सिर्फ आपसे कि अभी फिलहाल आपका फोकस, सभी चीजों को भूल जाइए आप, सब चीज को, लेकिन अभी आपका फोकस कुछ मिनट के लिए यहां पर होना चाहिए। आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा और सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत साल निकाल लिया आपने शनि के साढ़े साथी में ना। बस अब निकलने जा रही है उतरती हुई शनि के साढ़े साथी, इस पर ही चर्चा करेंगे मकर राशि, ठीक है। दोस्तों ये कार्यक्रम जो भी हमारा होता है ना, ये राशि के आधार पे होता है, क्योंकि जो शनि की साढ़े साथी है, शनि की ढैया लगती है, ये राशि के आधार पे लगती है, जन्म राशि चंद्र राशि के आधार पे, सन साइन के आधार पे नहीं लगती, मून साइन के आधार पे लगती है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम मून साइन पे है, और अगर आप अपनी कर्म कुंडली यानी कि अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कुछ उपाय जो आपको करने चाहिए अपने लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। फिलहाल नेगेटिविटी निकाल दीजिए मन से। मैं देखता हूं कि लोग पता नहीं नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को भूल जाते हैं, और सबसे मैं कहूंगा कि ऊर्जा बहुत जरूरी है, एनर्जी सब कुछ निर्भर करता है हमारे ऊर्जा पे, हमारी एनर्जी पे, ठीक है। वरना मंदिर में असलियत में भगवान नहीं होते, लेकिन वहां पे इतनी पॉजिटिव होती है एनर्जी, आप भगवान भगवान मत बोलो, आप एनर्जी बोलो। कभी फील करोगे ना तो वो हमारे सामने ही मिलेंगे आपको, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो एक सुपर एनर्जी हमारे सामने ही है, ठीक है। चलिए फिलहाल जानते हैं मकर राशि उतरती हुई शनि की साढ़े साथी आपको क्या फल देगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साथी उतरने वाली है 30 मार्च 2025 में। अब आप समझ लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने रह चुके हैं कुल, और 6 महीने बाद आपकी शनि की साढ़े साथी उतर जाएगी, मतलब यानी कि खत्म हो जाएगी पूरी प्रॉपर, ठीक है। अब 14 नवंबर को, लगभग 14-15 नवंबर को शनि मार्गी भी हो जाएंगे। बहुत सारी गुड न्यूज है आपके लिए, समझते रहिए, ठीक है, फोकस करिए। 14-15 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे। अभी वक्री हैं वर्तमान में, यानी कि रेट्रोग्रेड हैं, अपनी प्रॉपर जो उनका रिजल्ट है वो नहीं दे पा रहे हैं। अब 14-15 नवंबर को शनि हो जाएंगे मार्गी आपके सेकंड हाउस में। ये सेकंड हाउस होता है जहां पर शनि विराजमान है आपकी राशि से, और ये आपकी राशि है 10वें नंबर की, ठीक है ना। तो शनि आपके सेकंड हाउस में भी ट्रांजिट कर रहे हैं वक्री होके। अब सबसे पहले तो जब ये शनि मार्गी हो जाएंगे 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर से लेकर ये मार्च 2025 कब निकलेगा आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कि कब कब निकल जाएगा। 14 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस होता है हमारे मुख का, हमारे वाणी का, सारे हाउसेस अलग अलग चीजों के होते हैं, सेकंड हाउस हमारे मुख का है, हमारी बोली हुई चीजों का है, हमारे एक परिवार का होता है सेकंड हाउस, और धन एकत्र आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो सेकंड हाउस है, धन आपकी सेविंग सेकंड हाउस है। जब ये शनि मार्गी हो जाएंगे आगे की तरफ अग्रसर करेंगे, तो सबसे पहले आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई तनाव पूर्ण चल रहा था आपके फैमिली के अंदर, यानी कि उसका जो एनर्जी थी, जो वहां का इन्वायरमेंट था, अगर वो बहुत वीक था तो ये शनि के मार्गी हो जाने से काफी हद तक बहुत अच्छे चेंजेस देखे जाएंगे, ठीक है। शनि मार्गी हो जाने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति का, आप मकर राशि हैं और अगर आपका कोई भी वर्क प्रोफाइल ऐसी है जहां पर आप अपनी कम्युनिकेशन का बहुत यूज करते हैं, अपनी वाणी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ये शनि के मार्गी हो जाने के बाद ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उतरती हुई शनि के साढ़े साथी बहुत कुछ आपको देकर जाने वाली है। एक बात कहूंगा कि शनि एक ऐसे प्लैनेट है, अगर आप इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे ना, पौराणिक तथ्य पढ़ेंगे, पुरानी कहानी पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। कुछ ऐसे समय निकाला करें आप। शनिदेव को शनि शनि कहा गया है। शनि शनि क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक राशि में, एक साइन में 2.5 साल तक रहते हैं, 2.5 वर्ष तक रहते हैं। सबसे स्लो प्लैनेट है शनिदेव। जब शनि देते हैं, हालांकि शनि देते तो बहुत देर में है, शनि का जो फल होता है ना वो बहुत देर में मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत लंबे समय तक मिलता है, यानी कि जब शनि देते हैं तो फिर देते रहते हैं बहुत लंबे समय तक। अब चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, वो आपकी कुंडली भी देखी जाती है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, पोजीशन कैसी है।
अब शनि आपको, मतलब थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर किसी की कुंडली में शनि सेवंथ हाउस में है, सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव होता है विवाह का, तो उसके विवाह में देरी कर देते हैं। अगर थोड़े वीक हैं तो तब भी देरी करेंगे, ठीक है, लेट कर देते हैं। अगर फोर्थ हाउस में शनि है तो फोर्थ हाउस होता है प्रॉपर्टी का, मकान का, जमीन जायदाद का, तो जमीन जायदाद बनने में समय लग जाता है। इंसान सोचता है 25 साल में, 26 साल में मकान बनाऊंगा, 28 साल में मकान बनाऊंगा, लेकिन करते 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 36 साल हो जाते हैं, है ना। शनि जब वीक होते हैं ना किसी की कुंडली में, तो 32 34 35 साल के बाद उसको रिजल्ट देते हैं, यानी कि 34 35 साल के बाद शादी हो रही है, 34 35 साल के बाद वो कुछ घर ले रहा है या कुछ अपना मकान ले पा रहा है ना। तो ऐसा होता है। शनि जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो फर्स्ट हाउस फॉर सेल्फ, इंसान सोचता रहता है, लेजीनेस आता है, सोचेगा मैं अब उठूंगा फिर गिर जाएगा, सोचेगा मैं अब उठूंगा फिर वो सो जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये शनि का अपना एक नेचर है शास्त्र में कि हर चीज में डिले करने वाले व्यक्ति प्लैनेट शनिदेव ही होते हैं, लेकिन जब देते हैं ना, जब देने की बारी आती है शनिदेव की कुंडली में, अगर जब शनि देने आते हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, इतना देते हैं और इतने लंबे समय तक देते हैं कि इंसान फिर थक जाता है कि यार अब मेरे पास बहुत पैसा आ गया, छोड़ देते हैं, अब मैं अच्छे काम करूंगा, मैं सामाजिक कार्य करूंगा, मैं स्पिरिचुअलिटी लाइन में चला जाऊंगा। जब इंसान थक जाता है पैसे कमाते कमाते, तो वो शनिदेव ही है। अब ये उतरती हुई शनि की साढ़े साथी सबसे पहले तो आपके जो मानसिक तनाव है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका जो प्रेशर पड़ता है ना वो मानसिक तनाव पे पड़ता है और हमको थकाने को लेके पड़ता है कि हम बिल्कुल टायर्ड हो जाएं, हमारे हमको कुछ ना दिखे, ना यहां दिखे, ना यहां दिखे, ना यहां दिखे, ना ही पीछे दिखे, हम बिल्कुल थक जाते हैं। तो वहां से शनिदेव धीरे धीरे उतरती हुई शनि की साढ़े साथी में उसको बाहर निकालने में सक्षम होता है, क्योंकि ये शनि की साढ़े साथी का बिल्कुल अंतिम पड़ाव होता है और ये मार्गी होना ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है आपके जीवन में, खासकर परिवार के अंदर और खासकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये शनि मार्गी हो जाएंगे। ये क्यों लेकर आएगा इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि शनि यहां पर है, सातवीं दृष्टि यहां पर है, आठवीं, नौवीं और दसवीं, शनि की तीन दृष्टि होती है, 3 7 10, तो सातवीं यहां पर है, दसवीं यहां पर है और तीसरी यहां पर है, राइट। अब ये क्या है, किसी का कोई अटका हुआ काम था, अष्टम भाव यानी कि अटका हुआ काम, राइट। अब ये मार्गी हो जाने के बाद अटका हुआ काम भी, मतलब जो पेंडिंग काम थे आपके या रुके हुए काम थे आपके, रुकी हुई चीजें थी, उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा था आपका, तो वहां पर भी संभावना है 70-80% कि ये अब उतरती हुई शनि के साढ़े साथी आपको पॉजिटिव फैक्टर की तरफ लेके जाने वाली है। अब ये शनिदेव की दृष्टि आपकी 11th हाउस में, ये वाला हाउस होता है प्रॉफिट का, यहां पर शनिदेव की दृष्टि है, इसका मतलब कि शनिदेव आप कितनी कोशिश कर रहे हैं जो व्यक्ति, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल यानी कि अर्निंग के मामले में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको ग्रोथ नहीं हो रहा, उनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, मतलब लगे पड़े हैं, आइडियाज बहुत अच्छे आ रहे हैं और बिल्कुल उस चीज पे काम करने पे लगे पड़े हैं, हर बार आइडिया लगाते हैं, हर बार आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी इस शनि की साढ़े साथी में उनको शनिदेव ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो अब ये मार्गी हो जाने के बाद आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा उतरती हुई शनि के साढ़े साथी में। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं आपसे, ये भी थोड़ा सुनिएगा कि देखो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि ये तो गोचर है, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे जीवन में प्रभाव तो देखो डालता ही है। आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, आप कितने बजे ब्रश करते हो, कितने बजे आप अपने काम को स्टार्ट करते हो, कभी आप 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कभी आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करो, कभी आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, ये सारी चीजें हमारे गोचर पर डिपेंड होता है, चंद्रमा पे आपसे वो, आप सुबह सुबह उठकर कौन से रंग के कपड़े पहन रहे हो, ये सारी चीजें आपके गोचर पर निर्भर करती है, चंद्रमा पे, ठीक है। तो इसका प्रभाव है, लेकिन हमारी जन्म कुंडली हमको क्या लेकर आई है हमारे जीवन में, हमें क्या क्या मिलने वाला है, वो हमारी जन्म कुंडली पे निर्धारित होता है सब कुछ। तो एक बार अपनी कुंडली भी दिखाओ कि शनि कैसे हैं, बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं, लेकिन ये उतरती हुई शनि की साढ़े साथी सभी मकर राशि के जीवन में कहीं ना कहीं, चाहे कुंडली कमजोर है चाहे कुंडली कैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आने वाली है, ये तो सत्य है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने कहा था करियर में भी लेकर आएगी, अटके हुए काम भी होंगे, जिन व्यक्तियों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी टाइम से सोच रहे थे, गाड़ी लेने की काफी टाइम से सोच रहे थे, यानी कि सुख सुविधाओं से रिलेटेड यहाँ पे शनि की दृष्टि है। फोर्थ हाउस होता है ये, और फोर्थ हाउस सभी सुख सुविधाओं का होता है, सभी सुख सुविधाओं का, चाहे वो माता का सुख हो, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी का सुख हो, चाहे फिर वो गाड़ी का सुख हो, चाहे फिर वो आपका हैप्पीनेस होना हो, आप कितने हैप्पीनेस फील करते हैं खुद को, ये फोर्थ हाउस है। तो ये फोर्थ हाउस पे मार्गी शनि की दृष्टि, अब उतरते हुए शनि, अब आपको हैप्पीनेस फील होगा, यानी कि कोई चीज आप लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, कंटिन्यू सोच रहे थे कि मैं लेना चाहता हूं लेकिन नहीं ले पा रहे थे, अभी आप जरूर यहां पर कुछ ना कुछ डील करते हुए देखे जाएंगे उतरते हुए शनि के साढ़े साथी में। और जिसकी कुंडली में अगर शनि बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत खराब है, नीच के हैं,
तो फिर एंड टू एंड मार्च में जब शनि खत्म हो जाएंगे साढ़े साथी में या फिर अप्रैल में, तो उस टाइम पर भी आप डील करते हुए देखे जा सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं मकर राशि को यहाँ पे, कि अगर कोई भी मकर राशि वाला व्यक्ति, फीमेल या मेल, ये सबके लिए है कार्यक्रम, अगर आप कोई फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए अब आने वाला, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है ना, ये होता है फैमिली का, कुटुंब का, मैंने पहले बताया आपको। तो फैमिली में खुशहाली भी आने की संभावना दिख रही है, यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग भी आपके लिए अच्छा है। और जब सेकंड हाउस मजबूत हो जाता है ना, तो जिनके विवाह नहीं हो रहा, जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत ज्यादा क्लेश है, तो उनको भी ये धीरे धीरे ठीक करने में सक्षम होते हैं, राइट। तो क्या उपाय करने चाहिए आपको दोस्तों, यहां पर आपको एक इन जनरल उपाय बता रहा हूं जो सबसे अच्छे होते हैं। रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, सूर्य को जल चढ़ाया करें, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल का बीज मंत्र किया करें आप, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करें, जो आपको लगता है अच्छा वो करो आप, ये सभी चीजें अच्छी हैं। और रात में सूर्य अस्त हो जाने के बाद में चंद्रमा का बीज मंत्र जरूर फॉलो किया करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।